डे पर सीड बॉल से वृक्ष उगाइए और धरती को हरा भरा बनाइए। ये इमली हो गया, आंवला हो गया, मूंगा हो गया और गुलमोहर हो गया। जी मिट्टी गोबर में मिला के और सीड को कैसे सीड बॉल बनाते हैं। ये मिट्टी है और ये गोबर है, इसके बीच में सेंटर पे सीड डाला और उसे एज अ बॉल कर लिया। सीड बॉल बहुत इजी वे है प्लांटेशन का। उसका रीज़न ये है कि ये बहुत इजी, ऐसी फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं उसमें ये सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं। इस वैलेंटाइन डे पे ये कंसेप्ट हम इसलिए लाए हैं कि आज के दिन लोग फूल देते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने पर्यावरण को ख़राब कर रहे हैं, इसलिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम अपने नेचर को हेल्प कर रहे हैं। आज के दिन आप सब एक सीड ज़रूर लगाएं थ्रू सीड बॉल, जिससे कि हम जैसे जैसे हमारे दिन बदलेंगे, हमारा पूरा प्यार जो है इस प्लांट की तरह ग्रो करेगा। इस कंसेप्ट के बाद एक बच्चे के जैसे इसकी हम देखभाल करेंगे और डे बाय डे इस तरह से हम अपने आप को नेचर के प्रति समर्पण देते हैं और ये अपने नेचर को हेल्दी और एनवायरनमेंट को ग्रीन बनाते हैं। तो ये सीड बॉल कितने के हैं, क्या कॉस्ट है? तो आपको आपको कुछ पैसे लगे इसके क्या? बिल्कुल नहीं, सब कुछ नेचर से मिला है और हमने नेचर से कितना कुछ लिया है अपने एनवायरनमेंट से, तो ये हमारी भी ड्यूटी है नेचर को कुछ ना कुछ देने की। तो एक प्लांट लगाए और अपने नेचर को थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन अपने नेचर को एनवायरनमेंट को दे। थैंक यू, बहुत बढ़िया। आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं सर, बहुत ही अच्छा है, ये एक बहुत अच्छी पहल है नेचर के लिए कुछ कर दिखाने की, क्योंकि प्रकृति तो हमें 24 घंटे देती ही रहती है। सांस भी अगर हम डॉक्टर के पास जाते तो एक एक ऑक्सीजन की कीमत लेता है, लेकिन प्रकृति से हमें सब कुछ फ्री में मिलता है। कहीं ना कहीं हमारा ये बनता है, कर्तव्य बनता है कि आप एक पौधा तो अपने जीवन में जरूर लगाएं। जी सर, आपको लोग को सीड बॉल देंगे। सक्सेना सर है जिन्होंने ये पूरा लिखा हुआ, वैलेंटाइन डे पर सीड बॉल से वृक्ष उगाइए और धरती को हरा भरा बनाइए। सर मुझे आंवले की, आंवले की मिल जाएगी? आंवले की वो सामने रखिए, आंवले का ही दे रहे हैं। बिल्कुल आपको मिलेगा और इसको लगाना जरूर है अपन को अपने घरों में। नहीं मुझे सर आंवले वाला दे दीजिएगा।